वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, परचेज ऑर्डर हम तब यूज करेंगे जब हमें किसी गुड्स को मंगाने के लिए डीलर या मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर करना है कि हमें इतना जो गुड्स हैं उसकी रिक्वायरमेंट है। और सेल्स ऑर्डर हम तब बनाएंगे जब हमें किसी डीलर का या किसी शॉपकीपर का कोई परचेज ऑर्डर आएगा तो उसके अगेंस्ट में हम सेल्स ऑर्डर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसके स्टेप्स को देख लेते हैं। तो इसके स्टेप्स में सबसे पहले हमें नई कंपनी दिल्ली में जाकर के क्रिएट करना है। उसके बाद में हमें एक परचेज ऑर्डर बनाना है जिसमें हम एक ऑर्डर प्लेस करेंगे जिसका ऑर्डर नंबर 171 होगा। और उसमें हम राम सिंह से 1000 लक्स @220 मंगवाने के लिए ऑर्डर को प्लेस करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें लेजर क्रिएट करने होंगे। तो लेजर क्रिएट करने के लिए हमें गेटवे ऑफ दिल्ली में क्रिएट में लेजर कमांड को रन करना है और वहां पर हमें ये 4 लेजर्स बना लेने हैं, जिसमें पहला लेजर राम सिंह का बनाएंगे हम, जिसको हम सेंट्री क्रेडिटर में प्लेस कराएंगे। परचेज को हम परचेज अकाउंट में प्लेस करेंगे। श्याम सिंह के लिए हम ग्रुप सेंट्री डेटर लेंगे और सेल्स के लिए हम सेल्स अकाउंट ग्रुप लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लेजर्स को क्रिएट करते हैं और उसके भी पहले एक नई कंपनी टेली में बनाते हैं। तो सबसे पहले हम टेली को ओपन करेंगे और टेली को ओपन करने के बाद में यदि उसमें कोई भी फाइल खुली हुई है तो हम उसे पहले बंद करेंगे और उसके बाद में हम क्रिएट कंपनी के थ्रू एक नई कंपनी को क्रिएट करेंगे। तो जैसे आप क्रिएट कंपनी पर आते हो तो कंपनी क्रिएशन का एक फॉर्म आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है। इसमें हमें हम मान लेते हैं कि हम परचेज ऑर्डर के नाम से ही कंपनी बना लेते हैं। यहां पर हम एड्रेस में जो भी हमारा एड्रेस है वो डाल देंगे, स्टेट में जो भी हमारा स्टेट है वो स्टेट हम डाल देंगे, आपके एरिया का जो भी पिन कोड होगा वो आप यहाँ डाल दोगे। इसके अलावा टेलीफोन नंबर, जो भी आपके कंपनी के टेलीफोन नंबर है वो टेलीफोन नंबर डाल देंगे, जो मोबाइल नंबर होगा वो मोबाइल नंबर यहाँ पे आप डाल देंगे, फैक्स यदि कोई भी फैक्स है तो उसे आप इनपुट करा देंगे, ईमेल ले लेंगे, वेबसाइट अगर कोई कंपनी की हो तो वहां पर वेबसाइट को मेंशन कर देंगे, फाइनेंशियल ईयर जो भी हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर होगा वो हम यहाँ डाल देंगे। जैसे यहाँ हम फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 का ले रहे हैं। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में जहां से जिस डेट से हमें वाउचर्स में एंट्री करनी है वो डेट हम यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद में यहाँ पर देखिए, जो हम कंट्री सिलेक्ट करते हैं तो उस कंट्री के अकॉर्डिंग टैली उसका जो बेस करेंसी का जो सिंबल होगा और उसका जो फॉर्मल नेम होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डाल देगा। तो ये हम यहाँ पे इनपुट करा देंगे और उसके बाद में इस कंपनी को ओके कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पे ओके करेंगे वैसे ही यहाँ पर एक परचेज ऑर्डर नाम की एक कंपनी आपकी क्रिएट हो जाएगी। ये भी प्रोसेसिंग हो रही है, इसमें देखिए प्रोसेसिंग कंप्लीट है। इसके बाद में यहाँ पर देखिए कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली का एक मैसेज आ जाएगा और यहाँ पर हमसे पूछेगा कि आपको कौन कौन से फीचर्स को यहाँ पर एक्टिवेट रखना है। तो अभी हम इस विंडो को कंट्रोल ए की सहायता से इसे बंद कर देंगे। तो आप कंट्रोल ए प्रेस करें, जैसे आप कंट्रोल ए प्रेस करोगे वैसे ये जो आपकी विंडो है यह थोड़ी देर के अंदर क्लोज हो जाएगा। उसके बाद में देखिए आपके सबसे जो प्राइमरी टूल्स हैं टेली का वह गेटवे ऑफ टेली होता है। तो यहाँ पर गेटवे ऑफ टेली में हम जाएंगे क्रिएट पे, क्योंकि सबसे पहले हमें लेजर बनाना है और उसके लिए हमने कमांड सीरीज देखी है कि क्रिएट लेजर करने के लिए हमें गेटवे ऑफ टेली में क्रिएट ऑप्शन में लेजर ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यह हम गेटवे ऑफ टेली में क्रिएट ऑप्शन पे लेजर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जैसे हम लेजर में आएंगे यहाँ पर हम नेम और अंडर केवल इन दो ही ऑप्शन को भी काम में लेंगे। तो देखिए नेम के अंदर हम डालेंगे राम सिंह, इससे हम सामान खरीदेंगे
तो ये हमारा क्रेडिटर होगा, इस वजह से इसे हम सन्ड्री क्रेडिटर में जगह देंगे। और बाकी के डेटा हमें चेंज नहीं करने इस फॉर्म में, तो हमें बार बार एंटर ना करना पड़े, इसके लिए आप कंट्रोल ए को प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर राम सिंह का लेजर बनके तैयार हो जाएगा। इसके बाद में जब यहाँ पर नेम के अंदर ब्लैंक हो जाए तो इसका मतलब यह है कि जो हमने पुराना जो लेजर क्रिएट किया था वह क्रिएट हो गया है। अब इसके बाद में हम एक लेजर परचेज का बनाएंगे, परचेज लेजर को हम परचेज में ही ग्रुप के अंदर डालेंगे। तो यहाँ पर हम ये परचेज अकाउंट वाला ग्रुप को सिलेक्ट कर लेंगे, देखिए यहाँ पर ये परचेज अकाउंट ग्रुप आ गया। इसके बाद में बाकी की इन्फॉर्मेशन में फीड नहीं करनी है, इसके लिए हम कंट्रोल ए कर देंगे। उसके बाद में हम श्याम सिंह का लेजर बनाएंगे और श्याम सिंह के लेजर के लिए नाम के अंदर हम यहाँ पर श्याम सिंह और ये जो ग्रुप आ रहा है लिस्ट ऑफ ग्रुप्स, इसके अंदर हम सन्ड्री डेटा लेंगे। तो सन्ड्री डेटा ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एंट्री की प्रेस करेंगे और उसके बाद में एंट्री को सेव करने के लिए कंट्रोल ए कर देंगे। इसके बाद में हम बनाएंगे सेल्स के लेजर को और यहां पर हम नेम में सेल्स डाल देंगे, अंडर के अंदर सेल्स अकाउंट ले लेंगे और जैसे आप सेल्स अकाउंट ले लोगे उसके बाद में इस लेजर को एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोल ए को प्रेस करना है। कंट्रोल ए प्रेस करते ही हमारे ये चारों जो लेजर्स हैं वो बनके तैयार हैं। यदि हम ये देखना है कि जो लेजर्स हमने बनाए हैं वह बने हैं या नहीं बने हैं, तो उसके लिए आप तब तक एस्केप की को प्रेस करें जब तक कि गेटवे ऑफ टेली नहीं आ जाता। जैसे ही गेटवे ऑफ टेली आ जाता है जो लेजर हमने बनाए हैं उन्हें देखने के लिए आप अल्टर ऑप्शन पे जाओगे, अल्टर में आप लेजर पे क्रिएट करोगे। लेजर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में यहां पर देखिए राम सिंह, सेल्स, परचेज और श्याम सिंह, ये चारों लेजर बनके हमारे तैयार हो गए हैं। अब वापस से हमें गेटवे ऑफ टेली में आने के लिए एस्केप की को प्रेस करना है और उसके बाद में अब नेक्स्ट स्टेप पे हम जाएंगे। अब हमें यूनिट्स को क्रिएट करना है, तो यूनिट्स को क्रिएट करने के लिए देखिए यहाँ पर गेटवे ऑफ टेली क्रिएट और यूनिट, जो भी नोट्स अभी आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं आप पहले इन्हें नोट कर लीजिए ताकि आपको बार बार पीछे नहीं देखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर हम गेटवे ऑफ टेली में क्रिएट ऑप्शन पे जाकर के और यूनिट्स ऑप्शन में जाएंगे और वहां पर सिंबल फॉर्मल नेम और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में हम डेटा को टाइप करेंगे। तो यूनिट्स को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम टेली में गेटवे ऑफ टेली के अंदर हम क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और क्रिएट में हम जाते हैं यूनिट्स पे। देखिए यूनिट्स पे जाएंगे और यूनिट्स के बाद में हमारे स्क्रीन पर यूनिट को क्रिएट करने के लिए एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। वहां पर सिंबल में हम डालेंगे, जैसे हमें केजी बनाना है तो सिंबल उसका केजी होगा, फॉर्मल नेम के अंदर किलोग्राम और यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में आपको 3 डाल देना है क्योंकि 1 kg एंड 500 ग्राम के लिए हम डॉट के बाद तो डेसिमल पॉइंट्स उसके बाद 3 डिजिट्स को लेंगे, इस वजह से यहाँ पर हम 3 डिजिट्स के यूज में ले रहे हैं। ये जब एक्सेप्ट हो जाएगा उसके बाद में हम एक यूनिट बनाएंगे नंबर्स की, ये नंबर होगा और नंबर में फ्रैक्शन डिजिट 0 होगा। तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में 0 टाइप कर देंगे और इसको भी एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद में हम वापस से गेटवे ऑफ टेली में आएंगे। गेटवे ऑफ टेली में आने के बाद में नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा कि हमें स्टॉक आइटम को क्रिएट करना है। तो देखिए स्टॉक आइटम को क्रिएट करने के लिए आपको गेटवे ऑफ टेली में क्रिएट ऑप्शन में स्टॉक आइटम में आना है और इसके बाद हम स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे लक्स का। तो देखिए हम गेटवे ऑफ टेली के अंदर आ गए और गेटवे ऑफ टेली में हम क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। क्रिएट के बाद अभी हमें स्टॉक आइटम बनाना है तो हम स्टॉक आइटम पे जाएंगे। स्टॉक आइटम के बाद में स्टॉक आइटम को क्रिएट करने के लिए हमारे स्क्रीन पर एक फॉर्म नजर आएगा, उसमें हम नेम में लक्स और यूनिट्स के अंदर देखिए जो यूनिट्स हमने बनाई थी वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है, इनमें हम यहाँ पर नंबर्स यूनिट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आपको कंट्रोल ए करना है। कंट्रोल ए करने के बाद में आपने जो लक्स स्टॉक आइटम बनाया था वह क्रिएट हो गया है। इसके बाद हम एस्केप की को प्रेस करेंगे, वापस से गेटवे ऑफ टेली में आ जाएंगे और जैसे हम गेटवे ऑफ टेली में आएंगे उसके बाद में हम नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ेंगे। और यहाँ पे देखिए अब हमें एक परचेज ऑर्डर बनाना है,
जिसमें हम सबसे पहले हमारा जो कमांड सीरीज होगा वह होगा, सबसे पहले हमें गेटवे ऑफ टेली में जाना है, उसके बाद वाउचर्स ऑप्शन में आना है, उसके बाद हम अदर्स वाउचर्स ऑप्शन पे जाएंगे। अदर वाउचर्स की जो शॉर्टकट की होगी F10 होगी, इसमें हम शो इनएक्टिव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। शो इनएक्टिव ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में फिर हम जाएंगे परचेज ऑर्डर में, और जो हमारा परचेज ऑर्डर का शॉर्टकट की होगा वह होगा Ctrl F9, और उसके बाद में हम यस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद जितनी भी हमारे जो बची विंडो है उसको बंद करने के लिए हम Ctrl A कमांड का यूज करेंगे, जो कि यहाँ पर देखिए मेंशन है। इसके बाद में हमारे जो परचेज ऑर्डर है वह उसका वाउचर ओपन हो जाएगा, और इस परचेज ऑर्डर में देखिए यहाँ पर जो भी टर्म्स हमने दी हुई है, जैसे सबसे पहले हमें पार्टी अकाउंट नेम में राम सिंह डालना है, उसके बाद में हमसे ऑर्डर नंबर पूछेगा, तो ऑर्डर नंबर हमने 171 यानी 171 को प्लेस करना है। इसके बाद ये परचेज लेजर पूछेगा, उसके बाद में हमें एक विंडो डिस्प्ले होगी, उस विंडो के अंदर यहाँ पर हम डालेंगे क्वांटिटी, और उसके बाद रेट डालेंगे, फिर हम डालेंगे अमाउंट। ये डालने के बाद में फिर हम इस एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे, और एक्सेप्ट करने के लिए हम Ctrl A की को प्रेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने एरो की से चिन्ह बनाए हुए हैं, इसका मतलब ये है कि आपको इसी फ्लो के अंदर एंट्री को करना है। तो अभी आप ये आपको शायद ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब हम टेली की स्क्रीन पे जाएंगे तो ये ऑप्शंस आपको एज इट इज मिलेंगे। बाकी के जो भी ऑप्शंस आते हैं उन्हें हमें एंट्री की को प्रेस करके आगे बढ़ जाना है। तो अब देखिए हम गेटवे ऑफ टेली में आ गए, गेटवे ऑफ टेली के बाद हम आएंगे वाउचर्स में, और वाउचर्स के बाद में देखिए राइट हैंड साइड में यहाँ पर ये अदर वाउचर्स आ रहे हैं, और अदर वाउचर्स के अंदर F10 की को हमें प्रेस करना है। जैसे आप F10 की को प्रेस करेंगे वैसे ही यहाँ पर शो इनएक्टिव ऑप्शन आएगा, शो इनएक्टिव पे जब हम क्लिक करेंगे तो जितने भी ऑप्शंस जो यहाँ पर अभी हाइड हो रहे हैं ये सभी ऑप्शन हमें स्क्रीन पे नजर आने लगेंगे। तो देखिए जैसे ही हमने शो इनएक्टिव पे क्लिक किया, जितने भी हमारे जो इनएक्टिव फंक्शंस थे, जो हिडन फंक्शंस थे, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। अब यहाँ पर हम परचेज ऑर्डर को देखेंगे, तो देखिए परचेज ऑर्डर के लिए हम यहाँ पर देखते हैं, देखिए ये परचेज ऑर्डर का ऑप्शन है, और इसके लिए हमें Ctrl+F9 को यूज करना है। तो या तो आप कीबोर्ड से Ctrl F9 कर दीजिए, ये यहाँ पे क्लिक करें और एक बार एंटर की को प्रेस करें। अभी हमसे पूछेगा कि क्या मैं जो ये आपका जो इनएक्टिव वाउचर था क्या हम इसे एक्टिवेट कर लें, आप एंटर की को प्रेस कर दीजिए। जैसे आप एंटर की को प्रेस करेंगे वैसे यहाँ पर परचेज ऑर्डर आ जाएगा, और अब इसके बाद में ये हमसे पूछेगा पार्टी अकाउंट नेम। तो यहाँ पर जो हमने नोट्स के अंदर आपको जो वर्क फ्लो बताया हुआ था उसी के अकॉर्डिंग आपको इन ऑप्शंस को फिलअप करना है। तो सबसे पहले हम पार्टी अकाउंट में राम सिंह डालेंगे, तो यहाँ पर हम जैसे आर को प्रेस करेंगे देखिए यहाँ पर लिस्ट ऑफ अकाउंट्स आएंगे, इसमें हम राम सिंह को सिलेक्ट करेंगे। जो भी विंडो आ रही है उसको Ctrl A प्रेस करके आपको यहाँ पे भी Ctrl A करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ऑर्डर नंबर पूछ रहे हैं, तो ऑर्डर नंबर यहाँ पर हम डाल देंगे 171। इसके बाद में ये हमसे परचेज लेजर पूछेगा, और परचेज लेजर में देखिए यहाँ पर परचेज लेजर ऑटोमेटिकली आ रहा है, आप एंटर की प्रेस कर देंगे। उसके बाद में नेम ऑफ आइटम पूछेगा, तो नेम ऑफ आइटम में हम जैसे एल को प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे लक्स डिस्प्ले होगा। उसके बाद में देखिए ये विंडो चेंज हो रही है, और यहाँ हमने यहाँ यही आपको बताया कि जैसे ही आप लक्स को प्रेस करोगे, लक्स को प्रेस करते ही यहाँ पर एक नई विंडो ओपन होगी, इसमें हमें क्वांटिटी रेट और अमाउंट को डालना है। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं क्वांटिटी में हम डाल देते हैं 1000, रेट में हम डाल देते हैं 20, और यहाँ पर देखिए अमाउंट आ गया है। उसके बाद आपको Ctrl A की को प्रेस करना है, इसके बाद में वापस आपके Ctrl A की प्रेस करना है, और जैसे आप Ctrl A की प्रेस करोगे देखिए यहाँ पर परचेज ऑर्डर का जो पार्टी अकाउंट नेम है वह ब्लैंक हो जाएगा। ब्लैंक होने का मतलब ये है, और यहाँ पर सेकेंड वाउचर आ जाएगा, यानी कि पहला वाउचर हमने सेव कर दिया है। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट स्टेप को देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में अब हम ये देखेंगे कि हमारा जो परचेज ऑर्डर हमने प्लेस किया था वह पेंडेंसी में शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसके लिए आप वीडियो को पॉज करके और यहाँ पे जितने भी जो कमांड्स लिखे हुए हैं उन्हें पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। जैसे अब हमें जाना पड़ेगा गेटवे ऑफ टेली में, गेटवे ऑफ टेली के बाद में आपको जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, उसके बाद आपको जाना है स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में, फिर आपको जाना है परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में, और यहाँ पे आपको ऑल ऑर्डर्स में जाना है। तो
और जैसे ही आप इस कमांड सीरीज को रन करेंगे, यहाँ पर देखिए ऑर्डर डिटेल्स बताएगी, और ऑर्डर डिटेल्स में ही आपको बताएगा कि आपकी जो परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग है वह ये है जो अभी आपने एंटर किया था। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली में आ जाना है। गेटवे ऑफ टैली में आने के लिए अब आपको एस्केप की को जब तक प्रेस करना है जब तक कि हम गेटवे ऑफ टैली में नहीं आ जाते हैं। गेटवे ऑफ टैली के बाद में अब आना है हमें डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में। डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स के बाद में अब आपको आना है स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में आने के बाद में अब आना है आपको परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में। उसके बाद आपको आना है ऑल ऑर्डर्स में। और देखिए जैसे आप ऑल ऑर्डर्स पर क्लिक करेंगे वैसे ही यहाँ पर जो परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग है वह आपको यहाँ पे नजर आ रही है। देखिए यहाँ पर वेव आ रहा है परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, और यहाँ हमें ये बता रहा है कि आपका जो परचेज ऑर्डर है 171 का लक्स वह पेंडिंग है। अब हम ये चेक करेंगे कि अभी हमारे पास स्टॉक में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, ताकि जब हम इस ऑर्डर को कंफर्म करेंगे तो हमें वह अंतर देखने को मिले, हम उसे अंतर को देख पाए। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हमें स्टॉक को चेक करना है, और आपको ये याद रखना है कि अभी हमने ऑर्डर प्लेस किया है लेकिन अभी हमने परचेज के अंदर उस ऑर्डर को कंफर्म नहीं किया है कि वह ऑर्डर हमने रिसीव कर लिया है, यानी कि ऑर्डर नंबर जो हमने 171 प्लेस किया था उसके अगेंस्ट में हमने बुक्स को कंफर्म किया है, ये अभी हमने नहीं किया है। इस वजह से यहाँ पर जो हमारा स्टॉक है, जब आप गेटवे ऑफ टैली में डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में इन्वेंट्री बुक में स्टॉक आइटम पे जाके और जब आप लक्स को चेक करोगे तो अभी यह हमें हमारे को नील स्टॉक शो करेगा। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको वापस गेटवे ऑफ टैली में आना है। गेटवे ऑफ टैली के बाद में आपको डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में आना है। डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स के बाद आपको इन्वेंट्री बुक्स में आना है। इन्वेंट्री बुक्स के बाद में आपको स्टॉक आइटम पे आना है। स्टॉक आइटम के बाद आपको लक्स पे आना है। और यहाँ पर देखिए अभी हमारा जो इनवर्ड सेक्शन है वह बिल्कुल ब्लैंक पड़ा है, यानी कि अभी हमारे स्टॉक में कोई भी आइटम नहीं है। अब हमें एस्केप कर लेना है। अब हम ये मान लेते हैं कि जो हमने राम सिंह को ऑर्डर प्लेस किया था उसके अगेंस्ट में हमने गुड्स रिसीव कर लिया है, यानी कि जो हमने ऑर्डर राम सिंह को किया था वह उसने भेज दिया है। तो उसके लिए हम परचेज के अंदर एंट्री करेंगे, और परचेज में एंट्री करने के लिए अब हम जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में। अब जो ऑर्डर हमने अभी प्लेस किया था उस ऑर्डर के अगेंस्ट में हमने गुड्स को रिसीव कर लिया है, और अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि जो गुड्स हमने रिसीव किया है उसकी एंट्री हमें कैसे करना है। तो उसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली में वाउचर्स में जाकर के परचेज ऑप्शन यानी कि F9 ऑप्शन को यूज में लेना है। तो देखते हैं हम टैली में। देखिए जैसे आप गेटवे ऑफ टैली में आओगे यहाँ पे आपको वाउचर ऑप्शन मिलेगा, और वाउचर्स के अंदर हम परचेज यानी कि F9 की को जब आप प्रेस करोगे तो यहाँ पर यह परचेज का वाउचर नजर आएगा। परचेज वाउचर में हम इनपुट कराएंगे पार्टी अकाउंट नेम जिसमें हम लेंगे राम सिंह, और ये जो भी विंडो आ रही है उसको बंद करने के लिए कंट्रोल ए की को प्रेस करेंगे, वापस से कंट्रोल ई की को प्रेस करेंगे, परचेज लेजर में परचेज लेंगे। उसके बाद में नेम ऑफ आइटम में हम लक्स ऑप्शन पे जाएंगे, और जैसे आप लक्स ऑप्शन पे जाओगे तो देखिए यहाँ पे परचेज ऑर्डर में 171 का परचेज ऑर्डर यहाँ पे शो करेगा। हमें इस 171 ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, एंट्री की को प्रेस कर देना है, और जो भी हमारे 171 ऑर्डर के अंदर जो भी वैल्यूज हमने वहाँ पे इनपुट कराई थी वह डेटा यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद में इस एंट्री को सेव करने के लिए हम कंट्रोल ए और एक बार और कंट्रोल ए ऑप्शन को काम में लेंगे। देखिए यहाँ पर परचेज का सेकंड वाउचर आ गया, इसका मतलब ये है कि जो भी हमने परचेज की एंट्री की थी वह सेव हो गई है। अब हमें यह देखना है कि यदि अगर ये हमने एंट्री कंफर्म कर लिया है तो अब हमारा जो ऑर्डर है वह तो नील हो जाएगा जो भी आउटस्टैंडिंग है, और जो स्टॉक आइटम है वह हमें यहाँ पर इन्वर्ट के अंदर शो करेगा कि 1000 लक्स हमने रिसीव कर लिए हैं। तो सबसे पहले हम परचेज ऑर्डर के आउटस्टैंडिंग को चेक करेंगे, और इसके लिए हमें गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में ऑल ऑर्डर्स पे जाना है। ठीक है,
टेली में, वापस हम गेटवे ऑफ टेली में आएंगे। गेटवे ऑफ टेली में आने के लिए आप एस्केप की को प्रेस करें, उसके बाद आप गेटवे ऑफ टेली में डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आएँ। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के बाद में आप स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पे आएँ। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री के बाद परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग पे नज़र पे क्लिक करें, उसके बाद आप ऑल ऑर्डर्स पे क्लिक करें। और देखिए यहाँ पर परचेज ऑर्डर में ड्यूज ओनली बता रहे हैं, और यहाँ पे किसी भी प्रकार का हमारा जो ड्यू ऑर्डर्स है वो यहाँ अब नहीं है। अब हम ये चेक करेंगे कि अगर ये ऑर्डर कंप्लीट हो गया है, कंफर्म हो गया है, तो हमारा जो स्टॉक आइटम है वह हमें नज़र आना चाहिए। तो उसके लिए हम लक्स के स्टॉक को डिस्प्ले करने के लिए गेटवे ऑफ टेली में डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में इन्वेंट्री बुक में स्टॉक आइटम में लक्स ऑप्शन को यूज़ करेंगे। और जैसे ही हम इस कमांड को रन करेंगे, वैसे ही हमारे स्क्रीन पर इनवर्ड के अंदर 1000 लक्स को शो करेगा। तो चेक करते हैं, तो ये हमारे गेटवे ऑफ टेली है। गेटवे ऑफ टेली के बाद हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के बाद में हम जाएंगे इन्वेंट्री बुक में। इन्वेंट्री बुक के बाद में हम आएंगे स्टॉक आइटम पे, उसके बाद हम लक्स में जाएंगे। और यहाँ पर देखिए इनवर्ड के अंदर 1000 शो कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये हमारा परचेज ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में हम सेल्स ऑर्डर पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।